निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया है। पामेरा नदी पर ब्रिज निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछले 10 सालों से इस रपट पर ब्रिज निर्माण की मांग की जा रही है और विभाग द्वारा वर्तमान में की जा रही रपट पर रिपेयरिंग की गई है। 2017-18 में स्वीकृत बजट के तहत इस रपट की रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है, लेकिन बारिश में रपट पर पानी चलने से 10 से 15 गांवों का संपर्क टूट जाता है। सरपंच प्रतिनिधि त्रिकमाराम सहित ग्रामीण अब इसका विरोध जता रहे हैं और मांग की जा रही है ब्रिज बनाने की। आपको बता दें, ब्रिज निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बारिश में जो रपट पर पानी चलता है उससे गांवों से संपर्क टूट जाता है। इसके चलते सरपंच प्रतिनिधि का एक मंडल जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है और आक्रोशित है। पामेरा नदी पर ब्रिज निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि यहाँ ब्रिज निर्माण किया जाए, क्योंकि रपट जो बनाई गई है वो 2017 और 18 में दिए हुए प्रावधान और बजट की मंजूरी के अनुकूल बनाई गई है, लेकिन बारिश होने से उस पर पानी आ जाता है और 10 से 15 गांवों का संपर्क टूट जाता है। इसके चलते ग्रामीणों में रोष है, ग्रामीण जनता परेशान हो जाती है और अब पंचायत का प्रतिनिधिमंडल आक्रोशित है और प्रदर्शन कर रहा है और चाहता है कि जो 10 सालों से पेंडिंग पड़ा है उस काम को पूरा किया जाए, उसके ऊपर एक ब्रिज का निर्माण किया जाए। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण पुरोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। क्या है पूरा मामला? जी शालिनी, बताना चाहूंगा कि ये रेदर उपखंड के पामेरा गांव का मामला है, जहां पर नदी पर रपट बनी हुई है और रपट होने के चलते पिछले कई समय से बारिश के समय में लोग परेशान होते हैं और फिर इस बार भी विभाग की ओर से 2017-18 में स्वीकृत बजट के तहत रपट की मरम्मत की जा रही है। तब ग्रामीणों को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने विरोध किया कि हर समय बारिश के समय हमें समस्या झेलनी पड़ रही है, ऐसे में अगर पुलिया निर्माण का नहीं होता है तो हर समय बारिश की समस्या झेलनी पड़ेगी। ग्रामीणों की मांग है कि अगर यहाँ पे पुलिया निर्माण नहीं किया जाता है तो वर्तमान में जो मरम्मत कार्य है उसको भी बंद कर दिया जाए। बारिश के समय में जो मरीज है और उनको भी समस्या होती है और जो यहाँ पानी चलता है उसके चलते 10 से 15 गांवों का संपर्क है वो भी कट जाता है। जी प्रवीण, अब क्या कहना है प्रशासन का जो मरम्मत का काम करने आए हैं, क्योंकि 10 साल से इनकी मांग है और काफी जायज मांग है। जी बिल्कुल, इनकी जो ग्रामीणों की मांग है वो जायज है और प्रशासन द्वारा अभी तक पुलिया निर्माण को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है और जो रपट है उस पर लगातार मरम्मत की जा रही है। फिलहाल जो प्रदर्शन था उसकी सूचना के बाद अनादरा पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो विभागीय अधिकारी है उनको भी सूचित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि अगर यहाँ पे पुलिया निर्माण नहीं होता है तो सोमवार से अनिश्चितकालीन बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी इसका बहिष्कार किया जाएगा। जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।